अरे आशिक, ये क्या किया है तूने? दो कम थी जो तीसरी लाके हमारे सर पे बिठा दी। अरे तो कौन सा गुनाह कर दिया है? शादी की है मैंने, इसे कोई गुनाह नहीं किया है। जैसे तुम लोग इस घर में रहते हो वैसे ही वो भी अब इस घर में रहेगी। देखता हूँ मैं कौन किसको निकालता है। अम्मा, शौकत अच्छा आदमी नहीं है, वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसे बहुत मारता पीटता है वो। पल्लू में छुपा के रखो अपने बेटे को, और ये चूड़ियां भी पहना दो, मैं खुद ही बचा लूंगी अपनी बेटी को। अरे रिजवाना, तूने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। अरे वो चुड़ैल तो चाहती यही थी कि तू घर छोड़कर चली जा और मैदान खुला छोड़ दे उसके लिए। क्या करती मैं अम्मा, मुझसे कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, पर तूने मेरी एक ना सुनी। आशिक ने बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे, उसने मेरा दिल चकनाचूर कर दिया। वो मेरे साथ ऐसा करेगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मर भी जाऊं ना फिर भी माफ नहीं करूंगी। माफ नहीं करूंगी? तू क्या सारी जिंदगी यहीं पड़ी रहेगी? और वो दोनों वहाँ आशिक के साथ ऐश कर रही होंगी। तू भी ना रिजवाना बहुत ही भोली है। तो क्या करूँ मैं? क्या करूँ मतलब, सामान उठाओ और घर जाओ। और अगर तुम यही सोचती रही ना कि आशिक तुम्हें मनाने आएगा, वो नहीं आएगा। वो अपनी नई दुल्हन के साथ बैठा, उससे तेरी जरूरत नहीं है। इस तरह उदास बैठने से कुछ नहीं होगा, तुझे जाके आशिक को चुड़ैल से छीनना होगा। अरे मेरी बेटी होकर तुझे हार नहीं माननी चाहिए, इस तरह मैदान छोड़कर नहीं आना चाहिए। कह तो तुम ठीक रही हो अम्मा, मुझे वापस घर जाना चाहिए। सारा दिन कमरे में बैठी रहोगी या घर के कामों में भी हाथ बटाओगी? घर के काम और मैं? क्यों, तू कोई महारानी है? ये मेरा घर है, यहाँ रहना है ना, तो घर के कामों में हाथ बटाना होगा। वरना कहो अपने शौहर को कि लेके दे तुम्हें अलहदा घर। ये घर तुम्हारा नहीं, मेरे शौहर का है। ओ बीबी, किसी खुशफहमी में ना रहना, ये मेरा घर है, मेरा, तुम्हारे शौहर का नहीं। चलो उठो, समेटो ये सब और काम में लग जाओ। यहाँ कोई मुलाजम नहीं रखे तुम्हारे शौहर ने जो तुम्हारी खिदमतें करते फिरे। इतने सारे लोगों का खाना मुझे बनाना पड़ेगा? आने दो आशिक को, दो टोक बात करूंगी आज उससे। तैयारी होगी तुम्हारी? जी अम्मा। अच्छा देख, तू जाते हुए ना पीर साहब की तरफ से होती भी जाना, इस मसले का हल जरूर निकल आएगा। मैं भी नहीं जा रही पीर साहब के पास, अगर वो काम के होते ना तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे तो जाली पीर साहब लगते हैं। अरे अरे, पीर साहब के बारे में ऐसे मत कहो, उन्होंने हमारे कितने बड़े काम किए, बस तुम एक बार मेरे कहने पे चली जाना। अच्छा, कहती हो तो चली जाऊंगी। ठीक है। सबसे जुड़ जाने की बातें क्यों सोच रही है? तुमने परी से भी शादी का फैसला इतनी जल्दी में क्यों किया? तुम डर गोली वाले हाथ से? तुम्हें हाँ, ये क्या किया? अरे तूने चैनल क्यों चेंज कर दिया? देख नहीं रही कि मैं ड्रामा देख रही हूँ? मुझे गानों वाला चैनल देख। बाहर में जाए तुम्हारे गानों वाला चैनल, मैं ड्रामा देख रही हूँ, ड्रामा लगा। इस उम्र में आप ड्रामा देखेंगी? ये उम्र तो अल्लाह अल्लाह करने की है। बस बस, अब ज्यादा ज़बान चलाने की जरूरत नहीं है।
ये जो चलाकी है ना तेरी, तू कहीं और जाके दिखा, यहाँ मुझे दे। आने दे आशिक को, मैं उसे बताऊंगी। आने दे, हट, खबरदार जो मेरे पानदान को हाथ लगाया। और आने दे आशिक हुसैन को, तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चल जा, बढ़िया, जा जाके किचन में हाथ बटा। मेरे सर पे आके बैठ गई, अब तुम बताओ। तो ऊपर से मेरे पानदान में हाथ डाल रही कमबख्त। बस इंडी ईसा के लिए हाय, पता नहीं क्या हुआ होगा। और अब ये सब मामला तो आयोग माशे भाई। हाँ भाई, निशान क्या बात है, फेरियत हुए, मतलब घर में हंगामा तो बड़ा हुआ होगा आपकी शादी को लेके। नहीं, रिजाना घर छोड़ के चली गई। आवाज करे हो आशीष भाई, आपने रोका क्यों नहीं भाभी को? अरे यार बहुत रोका है, मान से नहीं रुकी। आशीष भाई पता नहीं आपने लैला से शादी क्यों की। क्या बात कर रहे हैं, मोहब्बत करता हूँ मैं लैला से। मोहब्बत? अच्छा चलो फिर इसी बात पे चाय पिलाओ मेरे को। दो कप चाय लेकर आया यार जल्दी। वकील का कहा था तुमने वो? हाँ हाँ, जाना है पड़ेगा उसके पास। तुम्हारी बड़ी भाभी को सब कुछ पता चल गया है, समीना की वजह से बहुत बहुत परेशान। अरे भाई मैंने पहले ही बोला था आपको, आप बात टाल गए थे उस वक्त। चलो ठीक है, अपॉइंटमेंट लेता हूँ मैं, चलते हैं उसके पास। सही है, जल्दी करवा देंगे। अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, जो काम हो गया आपका। कुछ खाएगा? नहीं नहीं, चाय पी देना, सुबह से पीनी थी, मैंने बोला आशिक भाई के साथ चाय पीऊंगा मैं। हाँ मुझे भी याद नहीं था, तुम्हें याद नहीं। हाय अल्लाह, इतनी मिर्ची, इतना बुरा सालन बनाया तुमने। मिर्चे बिल्कुल ठीक है, बिला वजह कीड़े ना निकालो मेरे साथ। और ये इतना सा सालन किसके लिए, बाकी सब क्या खाएंगे? मैंने अपने लिए और आशिक के लिए पकाया है। किस खुशी में, बाकी क्या खाएंगे सब? मैंने सबका ठेका नहीं लिया हुआ, खाना खाना है तो खुद पकाओ, मैं सिर्फ अपना और आशिक का काम करूँगी। ओए बीबी, इस घर में ये मुमकिन नहीं है, यहाँ काम कैसे चलेगा वो तुम नहीं बताओगी, मैं बताऊंगी। चलो जल्दी से एक और हांडी चढ़ाओ सबके लिए। क्या मुसीबत है, इतना सारा काम मैं क्यों करूं, वो भी इन लोगों के लिए। चलो जो हुआ सो हुआ, अब तुम बताओ तुम्हारा शादी के बारे में क्या इरादा है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। धोखा खा गया ना। क्या बात है, मुंह क्यों लटकाया हुआ इस तरह से? देख आशिक, अपनी ये नई बीवी को समझा ले, मेरे मुंह ना लगा करे। माँ जी क्या हो गया आपको, नई नवेली दुल्हन है, खामखा उसके पीछे पड़ गई। अरे थोड़े दिन में बिल्कुल सही हो जाएगी, छोड़ दो। फजूल में ना उसकी तरफदारी ना कर, इतनी लंबी जबान है उसकी, कैंची की तरह चलती है। और उसे समझा लेना कि दोबारा मेरे मुंह ना लगे, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपके मुंह क्यों लगे? अरे लगना है तो मेरे मुंह लगे है? अरे मुंह सही करो, मैं समझा दूंगा। अच्छी छोड़ा समझ। लला जान, इतनी देर कर दी तुमने यहाँ आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे जान आज दुकान पे इतना रश लग गया, इतनी मसरूफियत हो गई कि आने में देर हो गई कसम। अच्छा ये बताओ कैसी लग रही है? ओ हमेशा की तरह खूबसूरत, लेकिन कयामत ढा रही हो कसम से। क्या वाकई? मेरी बात पे शक कर रही हो तो? तेरा ये जो शर्माना है ना, जान ले लेता है लला। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हजार बातें कहो जाती है। ये जो तुम्हारी अम्मा है ना और पहली बीवी, इन्होंने आज मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाया है, मैंने चुपचाप सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया है। जान माँ जी की जो उम्र हो गई है, उस हवाले से माफ कर दिया करो उन्हें, और वैसे भी कड़वा बोलने की आदत है उन्हें, कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। और जहां तक शनाज की तुम्हारी बात है भाई, तुम दोनों का रिश्ता ऐसा है कि उसमें जलन होती है, तो जलती है तुमसे।
तो लोगों की बातें सुनने की जरूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखा करो, मेरी बातें सुना करो, बस। बहुत भूख लग रही है, खाना खाना है मुझे। हाँ ना, चलो, वैसे भी आज खाना मैंने बनाया। क्या बात कर रही हो, भूख और बढ़ा दी तुमने ये बात करके। चल आओ ना। अरे भाई, आज तो बहुत देर हो गई मुझे आते आते, लेकिन वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह, क्या खुशबू आ रही है भाई, जबरदस्त। मैंने अपने हाथों से बनाया है खास तुम्हारे लिए, तो खुशबू तो आएगी ना। आशिक, मैंने तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। इसे समझा दे, अगर इसने इस घर में रहना है तो इसे घर के कामों में हाथ बटाना होगा। यहाँ इसका कोई मुलाजिम नहीं है जो इसके काम करते फिरे। क्या हो गया शहनाज तुम्हें, मतलब नई नवेली दुल्हन है अभी, क्यों इसको काम में लगा रही हो? थोड़े दिन की बात है, रुक जा। कौन सी पहली शादी है इसकी या तुम्हारी जो ये चोचले करते हुए अच्छे लगो? घर में बहुत काम है, मैं अकेले नहीं कर सकती। जैसे आधे काम रिजवाना करवाती है वैसे इसे भी करना पड़ेगा। समझा दे इस बीबी को। मैं बिल्कुल, अरे तुम छोड़ो ना, परेशान क्यों हो? कान से सुनो, कान से निकालो, ऐसी चिड़ी हुई है वो, छोड़ो। लव अपनी बड़ी बीवी के आगे तो तुम्हारी जैसी जबान पे ताला ही लग जाता है। एक लफ्ज जो मेरी हिमायत में कहा हो तुम। वैसे जान जी, वो बात गलत भी नहीं कर रही थी, आपको घर के कामों में थोड़ा बहुत तो हाथ बटाना चाहिए। मैं घर के कामों में हाथ बटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनके बुरे सलूक का क्या करूँ? लैला मेरी जान, तुम क्यों इन झमेलों में पड़ती हो? अरे चूल्हे में डालो सबको, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचा करो, मेरे बारे में। तुम्हारे बारे में सोचने का कोई मुझे वक्त दे तो। अब देखो, मैं जब से आया हूँ इतना थका हूँ, एक दफा भी मुस्कुरा कर नहीं देखा तुमने। थोड़ा तो मुस्कुरा दो, थोड़ा सा ना। हाय, तेरी इस मुस्कुराहट ने ना मजनू बना दिया मुझे। झूठे। अरे भाड़ में गया हिसाब किताब भाई। रंग लागा रे, लागा रे, रंग तो सारा ध्यान तुम्हारी। मोहे लागा, लागा रे, पिया का रंग लागा। ये लैला खूब कान भर रही है आशिक के, तेरे और मेरे खिलाफ। भरती है तो भरे, किसे फिक्र। रिजवाना से बात हुई थी? फोन किया था, बंद जा रहा है उसका फोन। वो बात सोच रही हूँ मैं, ये लैला का कोई आगे पीछे है कि नहीं है? ना माँ का पता, ना बाप का पता, खुद ही शादी करके बैठ गई। अब उसे कोई बुलाने वाला है कि नहीं? पता नहीं, मैं खुद भी यही सोच रही थी। अल्लाह जाने क्या चक्कर, आशिक को पता होगा। आशिक आए तो बातों बातों में आप पूछ रहे उससे? आज आशा आके बैठे ना मेरे पास, सारी तफसील लेंगे ना। सलामुअलैकुम अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे लैला किधर है तू? जब से कराची गई तू तो गायब ही हो गई जैसे गधे के सर से सींग। अम्मा इधर ही हूँ, एक खुशखबरी है तेरे लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अम्मा मैंने शादी कर ली। क्या? अरे क्या कह रही है लैला तू? अम्मा मैं सच कह रही हूँ, मैंने शादी कर ली है। अरे पर किससे कर ली तूने शादी, है वो भी इतनी जल्दी? हमें बुलाना तो दूर की बात, तूने तो बताने की भी जहमत नहीं की। बस अम्मा हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे शादी करनी पड़ी और बता नहीं पाई। तू सब छोड़, ये बता तूने शादी किससे की है? वो अम्मा मैंने रिजवाना के शोहर से शादी की है। आए हाय लैला, ये क्या किया तूने? रिजवाना के शोहर से शादी कर ली? अरे तुझे अपनी सहेली का भी ख्याल नहीं आया?
अम्मा तू मेरी अम्मा या रिजवाना की? तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी बड़ी बेटी का घर बच गया फिर से। अरे लैला वो तो ठीक है, पर एक शादीशुदा आदमी से तूने शादी क्यों की? तुझे कोई कमी थी रिश्तों की? बस कर दो अम्मा, कमी थी, तलाक याफ्ता हूँ मैं, कोई कवारी नहीं हूँ। अच्छा अब समझ आई कि रिजवाना की माँ हमारे घर के चक्कर क्यों काट रही है। अरे मैं तो तेरे मामू के घर आ गई हुई थी, हैं? वो जमीला है ना हमारी महल्ले वाली, उसने बताया कि रिजवाना की माँ घर के चक्कर काट रही तुम्हारे। छोड़ अम्मा उन्हें, और तो कुछ दिन ना मामू के घर ही रहे, उनके मुँह लगने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी रिजवाना तो घर छोड़ के चली गई। तूने मुझे बहुत फिक्रमंद कर दिया लैला, एक ही महल्ले की बात है, सालों पुरानी मेरी दोस्ती तूने खराब कर दी। अम्मा मैं खुश हूँ और तेरे लिए यही काफी होना चाहिए। बल्कि एक काम कर अम्मा, तू कराची आ जा और आशिक से मिल ले आके। अच्छा चल ठीक है, आती हूँ फिर मैं कराची, है? अल्लाह हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। ये क्या किया इसने? आप? हाँ मैं। सासुमा कैसे आना हुआ आपका? कैसे आना हुआ मतलब? अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। हाँ पर वो तो आपसे मिलना नहीं चाहती। वो नहीं मिलना चाहती तो क्या हुआ, मैं तो उसे मिलना चाहती हूँ। कब तक मुझसे नाराज रहेगी? आज उसे मना कर जाऊंगी मैं। लेकिन रुके रुके सासुमा, लेकिन वो अंदर नहीं है। अंदर नहीं है? कहाँ गई है? सासुमा बाजार गई हुई है ना। तो कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार कर लेती हूँ। लेकिन सासुमा वो बहुत देर से आएंगी, आप हमारे क्या इंतजार करके करेगी? आप प्लीज घर जाए ना। मैंने कहा ना मैं उसका इंतजार कर लूंगी। और सासुमा बात तो सुने मेरी। आप तो कह रहे थे ये घर पे नहीं है। हाँ सासू माँ, मैंने तो इसके कहने पे कहा था, ये आप लोगों से मिला नहीं चाहती। कैसी है मेरी बेटी, ठीक है ना? मैं इसे अपने साथ लेके जा रही हूँ, जा बेटा अपना सामान लेकर आ। देखे सासू माँ, मैं इसे इजाजत नहीं दे सकता। तो आपसे इजाजत मांगी किसने? मेरे साथ जा रही है। देखिए सासू माँ, ये आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों क्यों नहीं जा सकती? देखिए सासू माँ, मैं नहीं चाहता कि ये वहाँ जाए। देखो ये मेरी बीवी है और इसे वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। एक अच्छी बीवी के यही तौर तरीके होते हैं सासू माँ, आप खुद समझदार है। और अच्छे शौहरों के ये तौर तरीके हैं कि वो अपनी बीवियों को घर में कैद करके रखे। मैं आशिक नहीं हूँ जिसे तुम डरा धमका लोगे, मैं इसकी माँ हूँ, और माँ अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसे कोई भी डरा धमका नहीं सकता, समझे? ओए सासू माँ, आप कोई मौला जट नहीं है, हैं? देखो मेरी बीवी को वर्गलाने की कोशिश मत करो और हमारे घरों मामलात में टांग मत कटाओ। जाओ निकलो यहाँ से, चलो। और बात सुन मेरी, आज तो तुम यहाँ आ गई हो, लेकिन आइंदा अगर तुम यहाँ आई ना तो मैं तुम लोगों का इस मोहल्ले में रहना मुश्किल कर दूंगा, समझी? मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। देखो सासू माँ, ये खोखली धमकियाँ नहीं है। चले निकले आप जाए। तुम सीधे से नहीं मानोगे शौकत, मैं कानून की मदद लूंगी। अरे कौन सा कानून, कहाँ का कानून, किसका कानून, मैं खुद कानून हूँ। देखो तुम्हारा पूरा खानदान भी अगर चाहे ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए बेहतर यही है कि आप हम मियां बीवी का टाइम जाया ना करें और गेट आउट होकर शाबाश यहाँ से निकल जाए। आप निकले यहाँ से सासू माँ, निकल जाए आप। जा रही हूँ लेकिन वापस जरूर आऊंगी।
और ले जाऊंगी अपनी बच्ची को यहाँ से। समीना तू परेशान ना होना बेटा है, मैं आऊंगी तुम्हें ले जाऊंगी यहाँ से। ए, चल अंदर, चल चल अंदर। मैं आज समीना की तरफ गई थी। कब? दोपहर में। बीवी है तू मेरी, गुलाम है तू मेरी, मेरी मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती। इतना मारूंगा कि तुम मर जाएगी। वकील से बात की है मैंने, एक बात तो मुझे साफ साफ बता दिए, बोला ऐसे लोगों से ना दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, ये शुगर है ना बड़ा खतरनाक आदमी है, मतलब समीना को घर भी ले आए तो रहेगा तो आपके घर के सामने ना, बोल रहा हूँ जिंदगी मुश्किल कर देगा आपकी मान से। अभी तो क्या करूँ, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊँ, शनाज को क्या मुंह दूंगा, कितनी परेशान है वो समीना की वजह से। और समीना, उसे वादा किया था मैंने कि उस जहन्नुम में से उसे निकाल के रहूँगा, मरने दूँ उसे वहाँ पे, चुप करके बैठ जाऊँ डर के बस। अरे भाई फिक्र ना करो, अल्लाह पे भरोसा रखो सब ठीक करेगा वो इंशाल्लाह, मैं बोल रहा हूँ। अरे चाय तो पियो ना, ठंडी हो रही है। भाई जिंदगी ठंडी हो गई यार, फिर थैलियाँ नहीं बनी अभी तक। क्यों आई थी वो मेरे घर, पता क्यों आई थी मेरे घर? वो मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी, मेरे माँ बाप मुझसे नहीं मिल सकते, क्या मैं उनके घर नहीं जा सकती? अरे मुझे ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। अगर तुम अपने घर वालों की बेहतरी चाहती है तो भूल जाओ उनको, अब कोई ताल्लुक नहीं रहा तुम्हारा उन लोगों के साथ। खून के रिश्ते ऐसे नहीं टूटा करते। बस करती है तू, ज्यादा फिल्मी डायलॉग न मार मेरे आगे, जितना कहा है इतना समझ लो बस। बीवी है तू मेरी, गुलाम है तू मेरी, मेरी मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती। वरना इतना मारूंगा कि तुम मर जाएगी। बकवास करती है मेरे कहां से आ रही है इतने गुस्से में? इस कमीने शौकत से मिलके आ रही है। अकेली गई थी? हाँ, समीना को लेने गई थी। तो फिर लाई क्यों नहीं समीना को, मुलाकात हुई थी? कोई मुलाकात, उसे कैसे लाती? इस कमीने शौकत ने उसे आने से मना कर दिया। मेरी बच्ची तो वहां अजाब में मुब्तला है, कैसे इतने दिन मेरी आंखों पे पट्टी बंधी रही। आशिक, आशिक को पता है कि तू वहां गई है? आशिक को अपनी बीवी से फुर्सत है जो उसे मैं कुछ बताऊं? उसे क्या मतलब, वो तो खुश है ना अपनी जिंदगी में। और उसकी नई बीवी हर वक्त कमरे में घुसी रहती है, बनाओ सिंगार, बस उसे कोई फुर्सत ही नहीं है, ना कोई काम ना कार। खाना बनाया उस बीवी ने? अरे कहां, कमरे से बाहर निकलेगी तो खाना बनाएगी ना। इसकी तो मैं अभी खबर लेती। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के इश्क के चर्चे आम हैं। हिदायतकार आदित्य चोपड़ा ने प्रेमी जोड़े को कास्ट करने का फैसला कर लिया है। ये कौन सा तरीका है कमरे में आने का? अब तुम मुझे तरीका सिखाओगी? टाइम देखा है,
कौन आके खाना बनाएगा? खाने का दूर दूर तक पता नहीं, तुम्हारे मैके वाले आके बनाएंगे। खबरदार जबान संभाल के, मेरे मैके वालों को कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। जबान तुम संभालो बीबी, घर में बच्चे अम्मा सब भूखे, चलो उठो चल के खाना पका। खाना खाना खाना, खाने के अलावा तुम लोगों को कुछ सूझता नहीं है? मेरे शौहर के सारे पैसे तुम लोगों के खानों में लग जाते हैं। तुम कौन होती हो हमारे खाने को टोकने वाली? और जहां तक पैसे की बात है तो वो सिर्फ तुम्हारे शौहर के नहीं, मेरे भी हैं, बल्कि मेरे ही हैं, समझी? किसी गलतफहमी में ना रहना, चलो उठो चल के खाना पका। अच्छी भली खबर पड़ी थी, मैं सब सत्यानाश कर दिया। बाजी बस भी करे, कब से रो रही हैं आप? ये दूध पी लें वरना कमजोरी हो जाएगी। ले जा, मुझे नहीं पीना। क्यों रो रो के हलकान हो रही हैं आप? इस घर में आपके आंसुओं की कोई कदर नहीं है। बाजी एक बात कहूं, आप यहां से भाग क्यों नहीं जाते? इतना आसान नहीं, वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, और अगर मैं भाग भी गई ना तो वो मेरे घर वालों का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, और अपनी वजह से मैं उनको मुसीबत में नहीं डाल सकती। बड़ा ही बुरा फंसी आप इस आदमी के साथ, अल्लाह पाक आपकी जान छुड़ाए इस आदमी से। अरे ओ नूरजहां की झूठन, अपने लिए चाय बना के ले आई है तो किसी और से भी पूछ लिया होता कि उसने चाय पीनी है कि नहीं। जिसने चाय पीनी है वो खुद उठ के अपने लिए बना ले, अल्लाह ने हाथ पांव दिए ही है ना सभी को। अगर सास के लिए एक कप चाय बना देती तो तेरे हाथ नहीं टूट जाते। लेकिन माँ बाप ने कोई तहजीब सिखाई हो तो ना, माँ बाप होते तो सिखाते। इस बात से क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अगर होते तो तेरी शादी में तो आते ना, तो शादी इस तरह ना होती बगैर माँ बाप के। बेहतर ये होगा कि आप अपने काम से काम रखें, मेरे माँ बाप के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, समझ आए? ए बीबी मुझसे बना के रख अगर इस घर में रहना है तो, वरना इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगी। ये तो वक्त ही बताएगा किसके लिए मुश्किल होगा और किसके लिए नहीं। क्या बोली? कुछ नहीं। तोबा तोबा, कितनी जबान है इस लड़की की, कौन लगे इसके मुंह बफा। हाँ भाई ये रो, अबे क्या हो गया? बस हो गया भाई। आए वो आशी भाई। वाले ये भाई क्या बात है, चेहरे पे ये मुस्कुराहट। आदि को जैसी आदिक भाई मान से। क्या हो गया? मैं नहीं बताओगे, बता दो। आजी भाई लड़की देखने जा रहे हो कल मैं। क्या बात कर रहा है भाई, वाकई? हाँ, वो रिश्ते वाली एजेंसी है ना, उसने मेरे लिए ना वो अमेरिका की ग्रीन कार्ड वाली औरत से रिश्ता ढूंढा है। अबे अमेरिका हाथ मार रहा है, क्या बात है भाई। बहुत आजी भाई समझोगे, सबर का मीठा फल खा रहे हूँ मैं, अमेरिका की लड़की है। आजी भाई मैंने तो सोच लिया शादी करके ना फौरन अमेरिका चला जाऊंगा, वहां जाकर लेडीज आइटम की दुकान खोलूंगा, गोरियां आएंगी गोरियां सामान खरीदने वहां से। क्यों जला रहा है यार गोरियों का नाम लेके? आजू भाई आप टेंशन क्यों लेते हो, मेरा काम हो जाएगा ना, फौरन जाते ही आपको बुला लूंगा वहां पे, और नहीं तो डॉलर भेजता रहूंगा ना डॉलर। कसम खा ले इस बात पे, अल्लाह की कसम। हाँ कन्फर्म हो गया भाई अब है? क्यों बन गया शेख चिल्ली वाला ख्याली पुलाओ।
अबे तू क्यों जल रहा है? अबे मैं क्यों जल रहा हूँ भाई? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि अभी लड़की देखी नहीं है, बात पक्की हुई नहीं है और पहले से प्लानिंग भी कर ली। पहले लड़की देख लो, पता चलेगा सारा किस्सा ही जाली निकला। अब तेरे मुंह में कड़वे करेले। अरे शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी कर लिया कर मुझसे। अबे हकीकत बता रहा हूँ भाई, कल देखा था इकरार भाई ने छापा मारा था जाली रिश्ते कराने वाली एजेंसियों पे। भाई अरे बस जरूरी थोड़ी है सारी एजेंसियां जाली हो, और क्यों उसकी खुशी में भंग डाल रहा है यार? मतलब एक आदमी खुश है, खुश रहने दे भाई, क्या पता हो जाए, अल्लाह करे। हाँ मैं तो खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, जलने वाले जले हैं मेरी बला से। मेरा काम था आगा करना, आगे आपकी मर्जी भाई। अबे चल बस कर दे, आप खामा खामा जो जल रहा है तुझसे, ये और कोई बात नहीं, जाके चाय लेकर आ और खुशी की खबर है कुछ मीठा खाते हैं, गरम गरम रसगुल्ले हैं। जा भाई जल्दी जा, अंदर आ जा अंदर। ले मिठाई जो रसगुल्ले भी पकड़ लिया गरम वाले। जी भाई। आ जा आ जा। अरे यार अमरीका जाएगा भाई, चंबा याद मारा है यार। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा? हाँ माँ जी। जीता रहे। कहाँ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा? होंगे यहीं कहीं। तू बैठ मेरे पास, मैं तुझे अच्छा सा पान खिलाती हूँ। हाँ हाँ खिलाओ बेटा। अरे ये क्या आशिफ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम आते के साथ यहाँ बैठ गए हो। चलो। अरे कहाँ चलो, अभी तो आके बेचारा बैठा है मेरे पास, हैं? कहाँ से आ गई बीच में माँ बैठोगे? माँ जी क्या बातें कर रही है, ना जाने कब से इंतजार कर रही होगी वो, देखा नाराज होके चली गई। पर बेटा मेरी बात तो सुन। माँ जी मैं वापस आता हूँ थोड़ी देर में आपके पास, जरा इसे मना लूँ वरना सर में दर्द कर देगी खुदाई की कसम। मैं आता हूँ, आप मुँह अच्छा करो। मैं जान जी, जान जी। पान भी निकाले दिया। क्या हो गया जान जी, फिर नाराज हो गई आप? क्या हो गया बता दो भाई, बता दो मुझे। नाराज नहीं हो तो क्या करूं, दुकान से सीधा आते हो अम्मा के पास जाके बैठ जाते हो, ये भी नहीं सोचते कि कितनी बेचैनी से सुबह से इंतजार कर रही होती हूँ तुम्हारा। क्या आहिस्ता तो बोलो, क्या करूं माँ जी, बिल्कुल रस्ते में पड़ती हैं, थोड़ी देर बैठ के उनके पास सुस्ता लेता हूँ, बात बात कर लेता हूँ, लेकिन तुम ये भी तो देखो फिर, सारा वक्त तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हारे पास रहता हूँ, तुमसे बातें करता हूँ। अब ऐसे चांद से चेहरे पे ये नाराजगी, इतनी थकावट के बाद तो बिल्कुल ही दिल मर जाएगा मेरा, ऐसा तो मत आए। हाय आए ना मुस्कुराहट, अब तुम्हें क्या क्या बे क्या है? मामा पैसे मांगनी है, नान लेकर आना है तंदूर से। अबे तू दरवाजा बजा के अंदर नहीं आ सकता, धड़ करके अंदर आ गए, बदतमीजी नहीं है तुम लोगों को। ये पकड़ो 200 रुपए, जा जाके नान लेकर आ। और बात सुन, आइंदा किसी भी कमरे में जाओ दरवाजा बजा के जाना, अब बैठ के जाओ दरवाजा। चब सारे रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर दिया मेरे, पता नहीं। और तुम फिर नाराज हो गई, ये अच्छा है भाई कि सारा दिन थक हार के घर आओ तो बीवी इस तरह मुंह फुला। चलो हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं जान जी, इस तरह नाराज मत हुआ करो कुछ।
हरिओम अलका तरनुम, आशिक कहाँ है? अपने कमरे में होगा। दो घड़ी अगर माँ के पास बैठ जाता तो क्या हो जाता? तुझे क्या तकलीफ है? मैं आपके मुंह लगना नहीं चाहती। मैं भी तेरे मुंह नहीं लगना चाहती, लेकिन एक बात बता देती हूँ, अगर माँ बेटे के बीच में आने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। लो भला बताओ, दो घड़ी अगर बेटा माँ के साथ सुकून से बैठ जाए तो क्या बिगड़ जाता? लो सोखनों को छोड़कर अब मेरे साथ मुकाबले पे उतर आइए। तुम कहाँ जा रही हो? घर खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तब भी बैठो, आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। भूख नहीं है, अरे ये ड्रामे यहां नहीं चलेंगे तुम्हारे, समझी? चल ये डाल मेरी प्लेट में। अच्छी बीवी के तौर तरीके सीखो। छोर जब खाने में बैठता है तो साथ में बैठते हैं, माँ बाप ने तो कुछ सिखाया नहीं तुम्हें, इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? क्या देख रही हो? मैं कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूं तुम्हें? चल खा निकाल। पागल कहीं की, भूख नहीं है। ये ले मर खा। मैं आज समीना की तरफ गई थी। कब? दोपहर में। दोपहर में गई हो और अब बता रही हो मुझे? खैर क्या हुआ वहां पे? होना क्या था? वो शौकत बहुत ही कमीना और शातर आदमी है। समीना से मुलाकात हुई तुम्हारी? हुई, रो रही थी, बहुत कमजोर हो गई है। वकील से बात हुई थी मेरी। क्या कहा उसने? कोई रास्ता निकला? क्या रास्ता निकले, वही बातें कर रहा था कि तलाक तुम्हें दिलवा दूंगा लेकिन वो मनहूस जो है पीछा नहीं छोड़ेगा शौकत तुम लोगों का। तो क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? कोई तो रास्ता निकालो आशिक, मैं अपनी बच्ची को मजीद उस अजाब में नहीं छोड़ सकती। पल पल मर रही है वो वहां हमारी वजह से। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि ना करो उस जल्लाद से शादी मेरी बच्ची की, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। छोक दिया मेरी बच्ची को उस जहन्नम की आग में। भाई मैं देखो, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। नसीब को मत रो आशिक, नसीब इंसान अपना खुद बनाता है। भाई देखो शहनाज, जो मुझसे हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ। तुमसे अपनी शादियों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। फिर वही बकवास शुरू कर दी तुमने। सच क्यों कड़वा लगता है आशिक? देखो ये बात नहीं है, मुझसे जो हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? बहुत ज्यादती की है हमने अपनी बच्ची के साथ। जो हो गया उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जो होना है उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। जान जी, आप तो
अगर हसीन लग रहे हैं हाथ तुम्हारे। नखरे उठाने के लिए वो और खिदमतें करने के लिए हम। आशिक मेरा भी शोहर है, बराबर का हक है मेरा। ओए ओए, अरे आशिक हुसैन तू बड़ा किस्मत वाला है भाई। मेहमान बनाकर लाई थी ना तुमने इस घर में, तू मेरी सौतन बन गई। आशिक पे कभी भरोसा मत करना।